बरसात के मौसम से पहले आगरा के महापौर नवीन जैन ने शहर भर के दर्जन भर से अधिक इलाकों में पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। साथ ही अपने नगर भ्रमण के दौरान मेयर नवीन जैन बलकेश्वर, यमुना घाट, यमुना किनारा रोड, सुल्तानगंज पुलिया, मंटोला, अशोकनगर के इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने नालों का भी जायजा लेते हुए नगर निगम के विभागीय कर्मचारियों को समय से पूर्व सफाई करने के निर्देश दिए। महापौर नवीन जैन ने शमशान घाटों पर पहुंचकर विभागों की व्यवस्थाओं को टटोला। इस दौरान उनके साथ नगर आयुक्त निखिल टीकाराम फुंडे समेत नगर निगम के अन्य तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जो उत्तर प्रदेश सरकार और शासन के द्वारा निर्देश मिले हुए हैं कि कोई भी बॉडी पानी में प्रभावित न हो, उसे रोकने के लिए हमने कमेटियों का गठन किया है। एक एक पार्षद को लेकर के 11-11 संस्थीय कमेटी का गठन किया है। उसी के तहत बलकेश्वर शमशान घाट पर हम यहाँ पर आए हैं। कुछ कमियाँ मिली हैं हमें यहाँ पर। बलकेश्वर शमशान घाट को विद्युत शब्दागृह बनाने का भी हम निर्णय किए हैं और यहाँ पर जो व्यवस्थाएँ हैं उसको और ठीक करने के लिए भी काम का निर्णय लिया है। अभी हम जमुना की तलहटी पर भी गए हैं, वहाँ पर भी हमने निरीक्षण किया है। कुछ कमियाँ हैं, उस कमियों को हम जल्दी नगर निगम के माध्यम से दूर करेंगे। उद्देश्य ये है कि नदी में किसी भी प्रकार से शव प्रभावित ना हो। अभी तक आगरा इस चीज़ से बचा है और उम्मीद यही है कि ये समिति सक्रियता से काम करेगी, तो ऐसी नालों को निरीक्षण किया जा रहा है। उसके बाद देखिए, जैसा आप जानते हैं कि बरसात का मौसम आने को है और उससे पहले हम लोगों का एक रोस्टर बनाकर हमने सफाई अभियान चलाया है नालों का। कल से सभी नालों की सफाई हो जाए। कुछ नाले हमारे बड़े होते हैं और उसके नाले जिनको कहा जाता है, वो जरूरी है कि उनकी सफाई रेगुलर तो हो ही, लेकिन साल में एक बार कम से कम एकदम तल से सफाई हो। डीजी मौजा न्यूज़ के लिए देवेश दीक्षित की रिपोर्ट।